सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और सिंगल लाइन एचटीएमएल, मल्टी लाइन एचटीएमएल, सिंगल लाइन सीएसएस, मल्टी लाइन सीएसएस देखा था कैसे लिखते हैं और उसको कैसे हम यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एंगुलर मटेरियल का यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगुलर मटेरियल होता क्या है। एंगुलर मटेरियल एक यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरी है जो कि प्रीबिल्ट एंगुलर कंपोनेंट की लाइब्रेरी है। ठीक है, अब देखिए, एंगुलर गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल से रिलेटेड जितनी भी साइट या प्रोडक्ट्स होते हैं सभी का डिजाइन एक जैसा होता है। तो जो डिजाइन का पैटर्न गूगल फॉलो करता है उसे कहते हैं मटेरियल डिजाइन। तो उसी मटेरियल डिजाइन के पैटर्न पर एंगुलर टीम ने एंगुलर के लिए कंपोनेंट तैयार किया है जो जिसे हम लोग कहते हैं एंगुलर मटेरियल। अब देखिए, कंपोनेंट कंपोनेंट बेसिकली पीस ऑफ कोड होता है, उसके अंदर मल्टीपल डायरेक्टिव होती है जिसको हम यूज करते हैं। जैसे कि बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप क्या है, एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी क्लास बनी हुई थी, उस क्लास को हम यूज करके अपने टेम्पलेट को या फिर जहां भी हमें यूआई का इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्राउजर पर और देखते हैं एंगुलर मटेरियल। तो एंगुलर मटेरियल के लिए हम क्या करेंगे, मटेरियल डॉट एंगुलर डॉट आईओ टाइप करेंगे और एंटर देंगे। ठीक, अब देखिए, ये जो हमें दिख रहा है ये एंगुलर मटेरियल का वेबसाइट है और यहीं से हम जाके जिस भी कंपोनेंट को हमें यूज करना होता है उसको हम यूज करेंगे। तो जिस कंपोनेंट को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और जो भी हमारा ये मेनू दिख रहा है आइटम्स, इसको हम यूज करते हैं। यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना, जैसे कि ऑटो ऑमलेट को हमें यूज करना होता है तो सबसे पहले हमें उसके एपीआई को इम्पोर्ट करना होता है। उसके बाद ओवरव्यू पे जाने के बाद हमें यहाँ से ये कोड मिल जाता है और इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं मटेरियल पे। अब यहाँ पे अब सबसे पहले हम इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले इसकी लाइब्रेरी को क्या करना पड़ेगा, हमें अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, यानी अपने प्रोजेक्ट में इसका रेफरेंस कैसे ऐड करेंगे। जैसे हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो सबसे पहले या तो हमें सीडीएन उसका यूज करना होता है या फिर उसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड करके हम उसका रेफरेंस ऐड करते हैं अपने लेआउट में या फिर जिस भी पेज पे हमें यूज करना होता है वहां पे उसका रेफरेंस ऐड करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से हमें एंगुलर में भी एंगुलर मटेरियल को डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे, हमने प्रोजेक्ट बनाया था एफ ड्राइव में और यहाँ पे एंगुलर और ये माई फर्स्ट एंगुलर एप्लीकेशन, इसको हम ओपन करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमने देखा था। HTML पे चलते हैं और यहाँ पे कंपोनेंट डॉट TS। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था सिंगल लाइन HTML लिखना, मल्टी लाइन HTML लिखना, सिंगल लाइन CSS लिखना, मल्टी लाइन CSS लिखना। तो यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे ng serve, ng serve, ठीक है, एंटर हिट करेंगे। थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद ये हमें कोड बता देगा कि आपका प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, आप इस पोर्ट पे जाके विजिट कर सकते हैं। देखिए किस सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, अब ये बता रहा है एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर इज लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट 4200, ओपन योर ब्राउजर ऑन दिस। तो हम इस पे कंट्रोल क्लिक करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था हमने ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और एंगुलर के मटेरियल के कंपोनेंट को यूज करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक करते हैं जो भी हमने कस्टम लिखा था, Ctrl+C। अब देखिए, ये रनिंग मोड में है तो इसको अब HTML और CSS मिल नहीं रहा है तो इसलिए एरर दे रहा है। तो इसको हम करते हैं टेम्पलेट URL को अनकमेंट और यहाँ से CSS को अनकमेंट। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, Shift+Alt+F, Ctrl+S Shift+Alt+F। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग हो जाएगा, Ctrl+S। अब देखिए, यहाँ पे हमें दिखने लगेगा और हमें जो भी एरर मिल रही थी देखने को वो नहीं मिलेगी, इसलिए अब यहाँ पे हमें ब्राउजर पे ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि ये हमारे HTML में कुछ भी यहाँ पे राइट नहीं है। यदि हम यहाँ पे राइट कर देते हैं हेलो वर्ल्ड तो देखिए अब हमें यहाँ पे ब्राउजर पे देखने को मिलेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यदि हमें हमारे पास हमने कुछ राइट नहीं किया है तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये तो बात थी हमारी कस्टम की, हमें तो एंगुलर मटेरियल के कंपोनेंट को यूज करना है। अभी जो हमारी style.scss है ये बिल्कुल ब्लैंक है,
है, तो अब हम चलते हैं और एंगुलर मटेरियल को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चलेंगे गूगल पे और यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड। ठीक है, इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें एक कमांड मिलेगा। इस कमांड को हम क्या करेंगे, अपने सीएलआई पे रन करेंगे, ng add @angular/material। ठीक है, अब चलते हैं और हम एक टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल। अब देखिए यहाँ पे हम कमांड चलाते हैं ng add @angular/material, एंटर हिट करते हैं। अब देखिए ये हमसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू प्रोसीड, यस एंटर हिट। अब जो भी रिक्वायर्ड पैकेज है वो क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हमसे पूछ रहा है चूज ए प्री बिल्ड थीम नेम और कस्टम फॉर ए कस्टम थीम यूज एरो की। मतलब यदि हम कोई थीम्स जो एंगुलर का बाय डिफॉल्ट आता है उसको यूज करना चाहते हैं या फिर अपना कस्टम थीम रखना चाहते हैं, तो यदि हम इसके थीम को देखना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे और ये क्या करें, ओपन। डू यू वॉन्ट टू कोड ओपन एक्सटर्नल वेबसाइट, ओपन करेंगे तो हमें इसके थीम को देखने को मिल जाएगा। अब देखिए पहला जो हमारा थीम है इस प्रकार दिख रहा है, अगर यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट कलर देखना चाहेंगे तो हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम बाय डिफॉल्ट कस्टम थीम पे जाते हैं और हम मैनुअली सेटअप करेंगे। अब देखिए सेटअप ग्लोबल एंगुलर मटेरियल टाइपोग्राफी स्टाइल्स, हम इस पर को कर देते हैं यस एंटर। इंक्लूड एंड इनेबल एनिमेशन, यस। अब देखिए हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, अभी जो हमारी फाइल्स है यहाँ पे किसी फाइल्स में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है और जो स्टाइल डॉट सी एस एस है बिल्कुल भी ब्लैंक है। अब देखिए स्टाइल डॉट सी एस एस में भी कुछ कोड राइट हो गए और उसके बाद देखिए ये किस किस फाइल को अपडेट कर दिया, पैकेज डॉट जेसन को, एस आर सी में ऐप, उसके बाद ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस, स्टाइल डॉट एस सी एस 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 और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इतनी सारी फाइल्स को यानी चार फाइल को इसने अपडेट कर दिया। किसने, जो भी हमने पैकेज इंस्टॉल किया एंगुलर मटेरियल का। ठीक है, अब देखिए ये माई फर्स्ट एंगुलर एप्लीकेशन, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है जो कि वेरिएबल, ठीक है, प्राइमरी। तो इसका प्राइमरी कलर एसेंट कलर, वार्न कलर, यदि कोई एरर आती है तो वार्निंग के लिए, और एसेंट कलर सेट कर दिया बाय डिफॉल्ट इसने। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ एप मॉड्यूल डॉट टी एस में चलेंगे तो देखिए ब्राउजर एनिमेशन जो हमसे पूछ रहा था कि क्या हम ब्राउजर एनिमेशन को इनेबल कर दें, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसने यहाँ पे ऑटोमेटिक रेफरेंस एड कर दिया। ठीक है, अब देखिए जिस टाइपोग्राफी की हम बात कर रहे थे तो देखिए मैट टाइपोग्राफी क्लास हमारी ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए इतना काम तो हमने कर दिया, लेकिन क्या केवल इंस्टॉल करने से हम उसके कंपोनेंट को यूज कर पाएंगे, नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब एंगुलर मटेरियल के कंपोनेंट को यूज करने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, एंगुलर मटेरियल की साइट पे, उसके बाद हम कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टूल बार ऐड करने का प्रयास करते हैं, यानी टूल बार को ऐड करने के लिए हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे पास ये मेन्यू आइटम दिख रहे हैं तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे टूल बार। ठीक है, तो अब देखिए टूल बार हमें इस प्रकार से दिख रहा है, तो हमें कौन से टूल बार को यूज करना है ये हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एपीआई, उसके एपीआई को क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको ये लाइन याद है तो हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं, यदि नहीं याद है तो हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे एप मॉड्यूल डॉट टी एस, एप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में, और यहाँ पे कंट्रोल बी पोस्ट पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम कंट्रोल सी करके और यहाँ पे हम करेंगे इम्पोर्ट, कॉमा लगा के कंट्रोल बी, ठीक है, कंट्रोल एस। उसके बाद हमारा जो अगला काम होगा ओवरव्यू पे जाएंगे और इसका कोड देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू कोड। ठीक है, तो हमें ये कोड देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए इस पे से जो भी जिसको भी हमें यूज करना होगा हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ से कोड कॉपी करते हैं कंट्रोल सी। अब इस कोड को हमें कहाँ पेस्ट करना होगा, यहाँ पे एप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल पे कंट्रोल वी। ठीक है, अब देखिए ये कुछ एरर हमें देखने को मिल रहा है, तो ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ से यहाँ तक करते हैं कंट्रोल के सी कमेंट कंट्रोल एस। अब हम रन करते हैं यहाँ पे ng serve। देखिए कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, अब इसको हम करते हैं तो हमें ये
नेव बार देखने को मिल रहा है, यानी टूल बार हमें देखने को मिल रहा है, बट इसका कोई कलर नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कलर दे देंगे, यदि कलर प्राइमरी कंट्रोल एस, आप देखिए इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। देखिए कलर इसका चेंज हो गया। ठीक, उसी प्रकार से हमने अभी क्या किया है, बस केवल और केवल टूल बार को यूज किया और इसका कलर प्राइमरी रखा है। तो जैसे हमने यहाँ पे जब उसको इंस्टॉल किया था स्टाइल डॉट सी एस एस में, तो हमारे पास तीन कलर आए थे, प्राइमरी, एसेंट और वार्न। ठीक है, तो उसी तरह यदि हम एसेंट देंगे तो इसका कलर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कंट्रोल वी कंट्रोल एस, देखिए पिंक हो गया। अगर एसेंट वार लेंगे तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी प्राइमरी पे रहने देते हैं, कंट्रोल एस। अब देखिए उसके बाद हमें क्या यूज करना है, मैट आइकन बटन, ये हमारा यूज हुआ है कंपोनेंट कौन सा, मैट आइकन बटन। ठीक, उसके बाद मैट आइकन यूज हुआ है। ठीक, तो अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, सबको इंपोर्ट करेंगे और उसको यूज करेंगे, कंट्रोल के यू कंट्रोल एस। ठीक है, मैट आइकन अभी हमें एरर दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ गूगल पे चलेंगे। अब देखिए मैट आइकन इसे नहीं मिल रहा है, तो गूगल पे यहाँ मटेरियल वाली साइट पे चलेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आइकन आइकन ढूंढेंगे, आइकन पे चलेंगे और इसके एपीआई के रेफरेंस को हम करेंगे यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कहाँ, एप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस वाले फाइल में, कंट्रोल वी, और उसको हम करेंगे यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए अब कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, अब देखिए ये हमें कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब देखिए ये बटन हमारा यहाँ पे तो हमें ऐसे दिख रहा है, ओवरव्यू पे चलते हैं, टूल बार कहाँ है, यहाँ पे हमें तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमें जो डिस्प्ले हो रहा है वो इस प्रकार से हो रहा है। तो हमें इस प्रकार से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बटन की इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बटन पे चलते हैं, बटन, और क्या करेंगे इसके एपीआई को हम क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे, कंट्रोल सी और यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी और मैट बटन मॉड्यूल कंट्रोल सी और यहाँ पे हम कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए अब हमें इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, अभी हट गया। अब यहाँ पे ये लेफ्ट अलाइंट है और ये राइट अलाइनमेंट है, टूल बार पे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है और ये हमारा राइट अलाइनमेंट है। ठीक है, तो उसको उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी एस एस लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सी एस एस अगर टाइप स्क्रिप्ट है तो उसका कोड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, और यदि सी एस एस कुछ राइट है तो हमें सी एस एस यहाँ पे मिल जाएगा। तो कंट्रोल सी हम इसको कॉपी करेंगे और इसको हम कहाँ पेस्ट करेंगे, हम यहाँ इसको पेस्ट करेंगे एप डॉट कंपोनेंट डॉट एस सी एस 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 में, कंट्रोल वी। ठीक, कंट्रोल एस। अब देखिए जैसा हमें दिख रहा था इस वाली वेबसाइट में, वैसे उसी प्रकार से हमें यहाँ पे डिस्प्ले हमने बना दिया। यदि हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे HTML पे चलते हैं और यहाँ पे माई एप हमें दिख रहा है, तो हम इसको कहते हैं RHT 9454, कंट्रोल एस। अब देखिए चेंजेस हमारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मित्र हमारे पास एक समस्या आ रही है। समस्या हमारे पास क्या आ रही है कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो क्या हम इसी प्रकार से सबको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहेंगे, या फिर यहाँ, तो इसलिए हमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मल्टीपल लाइन हमारा एड होता चला जाएगा, तो हमें देखने में काफी प्रॉब्लम्स होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उस कंपोनेंट को हम ग्लोबली बनाएंगे, तो जिस भी फाइल में हमें यूज करना रहेगा हम केवल उसी कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे और इजीली हम वहां पे यूज कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एंगुलर मटेरियल को हम कैसे यूज इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उसको कैसे यूज करते हैं। यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एपीआई को इम्पोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद कोड देखने के लिए हमें यहाँ पे जाना होता है व्यू कोड, और यहाँ से जिस जो भी हमें सुटेबल लगता है उसको हम कॉपी करते हैं, उसके बाद वहां पे पेस्ट करते हैं, उसके बाद जितने भी कंपोनेंट यूज हुए रहते हैं उस कंपोनेंट को जाके फिर हम इंपोर्ट करते हैं, और यदि कोई एक्स्ट्रा सीएसएस लिखी होती है तो उस भी सीएसएस को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सीएसएस देखने के लिए हमें सीएसएस वाले टैब पे जाना पड़ता है, टाइप स्क्रिप्ट देखने के लिए टाइप स्क्रिप्ट वाले पार्ट पे, एचटीएमएल देखने के लिए हमें एचटीएमएल वाले टैब पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।